नमस्कार साथियों, चलो आज कुछ नया कुछ हटकर सीखते हैं। आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं लंबाई से संबंधित कुछ इसी प्रकार के माप बताऊंगा कि 1 फुट बराबर कितने इंच, 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 गज बराबर है, 1 गज में कुल कितने फिट होते हैं। इन सभी जो प्रश्नों के जो स्क्रीन पर देखे हैं, आपने थंबनेल में देखे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा। तो देखें, 1 फुट में जो 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं, कुल कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज में आपके 3 फुट होते हैं। ये आपको जानकारी याद रखना है, बहुत अच्छी जानकारी है। 1 मील में 1760 गज होते हैं। 1 मील में कुल कितने गज होते हैं? 1760 गज। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। 1 इंच में जो आपके सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपके 3.28 फीट होते हैं, या हम कह सकते हैं 3.25 फीट होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। 1 मीटर में आपके सेंटीमीटर जो होते हैं, सॉरी, 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोबारा रिवाइज करते हैं, जानकारी बहुत अच्छी है। 1 फीट में कुल कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गज में 3 फीट होते हैं। 3 फुट से जो मिलकर बनता है वो आपका 1 गज होता है, और 1760 गज जब मिल जाते हैं तो 1 मील बनता है। या तो हम कह दें कि 1 मील बराबर 1760 गज, या 1.61 किलोमीटर बराबर 1760 गज, दोनों एक ही है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर में 3.25 फीट होती हैं, और या 1 मीटर में जो इंच होते हैं वह होते हैं आपके 39.37 इंच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से संबंधित जानकारी आपकी लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।